कार्रवाई आप लोग कीजिएगा उस पार्षद पे। इसमें जो है ना कुछ गलत फहमी के लोग शिकार हैं। लालगंज नगर क्षेत्र के पार्षद भोला शंकर पासवान के द्वारा शहरी क्षेत्र के वार्ड 10 में लगभग 12.5 कट्ठा सरकारी जमीन पर अपने परिवार के साथ मिलकर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है, जिसके खिलाफ ग्रामीणों के द्वारा वैशाली डीएम, लालगंज अंचलाधिकारी, लालगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी तथा लालगंज थाना को लिखित आवेदन देकर उक्त मामले में जांच कर उक्त जगह को अतिक्रमण मुक्त कराने का आग्रह किया गया था, लेकिन आवेदन देने के कई दिन बाद तक किसी भी पदाधिकारी के द्वारा कोई जाँच पड़ताल नहीं किया गया। वहीं भोला शंकर पासवान के द्वारा उक्त जगह पर लगातार निर्माण किया जा रहा है तथा ग्रामीणों को कई तरीके से धमकी दिया जा रहा है, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को लालगंज अंचल कार्यालय तथा नगर परिषद कार्यालय का घेराव किया है, जहां अंचल कार्यालय में लालगंज अंचलाधिकारी मुर्दाबाद तथा नगर परिषद में लालगंज नगर सभापति मुर्दाबाद, उप सभापति मुर्दाबाद, वार्ड पार्षद भोला शंकर पासवान मुर्दाबाद जैसे नारा लगाया गया है। लोगों के आक्रोश को देखते हुए लालगंज नगर परिषद सभापति कंचन कुमार शाह अपने कक्ष से निकलकर विरोध कर रहे लोगों से बात कर उनकी समस्या को जाना है, जिसके बाद सभापति ने उक्त आक्रोशित लोगों के साथ लालगंज थाना पहुंचकर लालगंज थाना अध्यक्ष राकेश कुमार से उक्त मामले में जांच पड़ताल करने का आग्रह किया, जहां लालगंज थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त स्थल पर जांच करने के लिए पुलिस पदाधिकारी को भेजते हुए आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। आज 10 नंबर वार्ड के जनता नगर पालिका का भी और थाना का भी घेराव किस लिए किया है? इनके द्वारा मतलब घेराव नहीं किया गया, तब आप लोग को जो स्पष्ट ये जानकारी नहीं है, ये लोग आए थे ये जानकारी लेने कि आखिरकार उस ये जमीन पर जो काम हो रहा है तो ये विधि संगत है कि नहीं। वार्ड संख्या 10 के पार्षद भोला शंकर पासवान हैं, उन पे आरोप जनता लगा रही कि वो सरकारी जमीन कब्जा किए हुए हैं, क्या मामला है? देखिए सबसे पहले तो चलिए बड़ी बात है, आरोप हम भी आपके ऊपर लगा सकते हैं। जब उसके ये निदान के लिए मतलब कल 11 बजे का समय रखा गया है तो आप लोग थोड़ा सा जैसे आप सभापति, आपको ये जानकारी है या नहीं कि वो सरकारी जमीन है या नहीं, वहाँ पे अवैध कब्जा है या नहीं? देखिए भोला शंकर जी का कहना है ना जी कि नगर से उनको कोई लेटर मिला हुआ है, ठीक है? अच्छा, तो वो भी अपना साक्ष्य लेके कल आएंगे, मतलब आम जनता भी रहेगी। तो वो जमीन जो है भूमि सरकारी है या नहीं सर, ये जानकारी है आपको? ये तो जानकारी है। उस पे अवैध कब्जा है या नहीं उस भूमि पे? अवैध कब्जा हमको जहाँ तक ये जानकारी मिली है कि ये 2-4 लोग जो है ना शेड डाल के उसमें रह रहे हैं अवैध तरीके से। अभी ना उनका अवैध है कि उनको नगर से कोई मतलब चिट्ठी प्राप्त है, चिट्ठी नहीं अभी है। एक मिनट एक मिनट सुनिए ना भाई, तो उससे ये संबंधित ये जानकारी लिया, जैसे आप अपने ईओ से जानकारी नहीं लिए कि नगर परिषद के द्वारा कहीं अलॉट किया गया है कि नहीं? छुट्टी में है, जैसे इससे पहले भी तो जानकारी लिए होंगे। 3-4 दिन से छुट्टी पर चल रहा है, काफी दिन से विवाद चल रहा है इस पर, उस दिन से अस्वस्थ चल रहा है। आगे अगर वो सरकारी भूमि होगा और अवैध कब्जा होगा तो आप अपने पार्षद पे कार्रवाई कीजिएगा, भूमि खाली करवाइएगा? पार्षद पे मतलब उनके कब्जा से खाली करवाइएगा? पार्षद पे ये कार्रवाई करना अलग बात है, उससे ये संबंधित जो है ना उचित ये निर्णय लिया जाएगा और ये कार्रवाई होगी, खाली करवाया जाएगा भूमि को, ये कार्रवाई होगी। आप जो बोल रहे हैं उसका हम जवाब दे रहे हैं। अगर नगर में जैसे अभी न तो कहीं पार्किंग है, न कहीं पुस्तकालय है, न कहीं बढ़िया स्कूल है, और वो लोगों का आरोप है कि नगर का जमीन है 12.5 कट्ठा का प्लॉट है, हम लोग बोर्ड में निर्णय लेंगे इसका। जहाँ जहाँ नगर का जमीन है कब्जा किए उसको कैसे मुक्त कराइएगा, इस पर हम लोग मतलब बैठ के विचार करेंगे। एक बार अभियान भी आप चलाए थे, लोगों को नोटिस भी किए थे, ये बोर्ड में इसका निर्णय लेंगे, जो अच्छा होगा उस पर हम लोग आगे तक काम बढ़ाएंगे। इससे पूर्व भी एक अभियान चलाए थे, लोगों को नोटिस किया गया था, उस पर कितना कार्रवाई किया गया नगर परिषद के पूर्व? अभी कुछ दिन पहले नोटिस भी किया गया था दुकानदार लोगों को जो अवैध कब्जा थे उन्हें। अच्छा, गुदरी मार्केट पे जहाँ भी हो बाजार का अतिक्रमण के लेके बहुत सारा, और जमीन उस पर क्या कार्रवाई किया गया नगर परिषद? काम कर रहे हैं उस पर, मतलब कब तक हो जाएगी उस पे काम? देखिए हम तो उसमें तो जिस समय देना होगा सर। एक पार्षद के द्वारा लालगंज नगर क्षेत्र में सरकारी जमीन कब्जा किया जा रहा है, तो क्या उस पार्षद पे कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? देखिए निश्चित रूप से कार्रवाई होना नहीं चाहिए, नगर परिषद अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है, उसको नोटिस भी भेजा था तो वह नोटिस लेने से इनकार कर गया, नोटिस नहीं लिया,
जिसके बाद पोस्ट ऑफिस के द्वारा उसको नोटिस किया जा रहा है और जो भी उचित कार्रवाई होगा निश्चित रूप से होगा। या वो पार्षद हो, भू माफिया हो, पब्लिक हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि नगर परिषद का जमीन अगर कोई कब्जा करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ नगर परिषद कार्रवाई करने का काम बात है कि अगर पब्लिक कब्जा करती है तो वो अलग एक दायरा होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को पब्लिक जनप्रतिनिधि बनाता है और जनप्रतिनिधि ही सरकारी जमीन कब्जा करने लगे तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के लिए तो जनता आक्रोशित हो जाएगा ना। देखिए, जनप्रतिनिधि को तो खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी व्यक्ति को इस तरीका का काम नहीं करना चाहिए। अवैध कहीं भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, नगर परिषद का हो, बिहार सरकार का हो, किसी का भी चीज अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अगर भोला शंकर पासवान कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से सद्बुद्धि का परिचय देना चाहिए, उनको अतिक्रमण मुक्त कर देना चाहिए और जो आम आवाम का जो आवाज़ है उसको सुनना चाहिए और पब्लिक के समर्थन में उनको रहना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। सुजीत प्रताप यादव, पार्षद संघ अध्यक्ष, नगर परिषद लालगढ़। ये अभी अंचल कार्यालय का घेराव करने आए हैं आप लोग? हम लोग आवेदन दिए थे यहाँ पे, जो जलालपुर रोड में जमीन है, 12 कट्ठा का प्लॉट है, जो कि भोला शंकर के द्वारा जबरदस्ती जो है कब्जे से रहा है। क्या है, भोला शंकर पासवान कौन है? वो वार्ड कमिश्नर है, वार्ड पार्षद है। तो उनको कभी मौखिक रूप से आप लोग मना किए थे कि नहीं? बहुत बार समझाए हैं उनको, बोला जी सब ठीक बात नहीं है। अगले बार जब बोला कि जो वादा किए थे कि हम वादा कर रहे हैं कि सब खाली करवा देंगे और यहाँ पे स्कूल बनवाएंगे, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। अभी जो अंचल में आए हैं यहाँ, क्या आश्वासन कुछ मिला है आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है कुछ। कोई जांच हुआ है वहाँ पे? कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ है। तो अभी क्या चाह रहे हैं, मतलब अंचलाधिकारी से मिलना है? वो तो है नहीं, तो चाह नहीं क्या चाहेंगे कि जांच पड़ताल किया जाए, कराए, मजिस्ट्रेट बहाल हो और सही उचित कार्रवाई किया जाए उस पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद दास है। किस लिए आप लोग यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं? वही खाली होना चाहिए। क्या खाली होना चाहिए? समुदाय भवन पीछे बन रहा है, आगे बनना चाहिए। मतलब कहाँ पे बन रहा है सामुदायिक भवन? वही नगर पालिका के जमीन पीछे बन रहा है। अच्छा, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? आगे बने। तो आगे क्या कारण है जो नहीं बन रहा है? लोग आगे कब्जा किए हुए हैं। लोग कौन कब्जा किए हुए हैं? भोला शंकर के परिवार लोग। भोला शंकर के परिवार लोग? भोला शंकर भी किए हुए कब्जा? क्या है भोला शंकर? वार्ड कमिश्नर है। तो आप लोग उन्हीं के खिलाफ यहाँ आवेदन दिए थे? कोई जांच हुई है? ना, कोई जांच नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रामजी पासवान। जो आप लोग नगर पालिका में आके हंगामा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं हंगामा? समझिए शंकर भोला पासवान वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 10 का जो अभी प्रेजेंट में वार्ड पार्षद है, वो पूरा 12.5 कट्ठा में वो कैप्चर कर रहा है। मना करने पर कोई अथी, 5 दिन पहले हम लोग म्यूनसिपैलिटी में सीओ के यहाँ सभी जगह हम लोग पेटीशन दिए, डीएम के यहाँ दिए, लेकिन उस बात का तनको 5% कदर नहीं हो रहा है। इसलिए आज हर दार के लोग ब्लॉक में किया यहाँ पर। अभी जो आप लोग नगर पालिका में आए हैं, कोई अधिकारी, सभापति या कोई कर्मचारी आप लोग से मुलाकात किए हैं? कोई आदमी अभी मुलाकात नहीं किया। तो अब आगे क्या कीजिएगा? आगे जब तक वो लोग मुलाकात नहीं करेगा, जब तक वो रोकथाम नहीं करवाएंगे, तब तक ये चलते रहेगा। हम लोग का विरोध करते रहिए, विरोध करते रहिए, आंदोलन भी चलेगा, आंदोलन भी होगा। आप लोगों का मांग क्या है? मांग क्या है उसको खाली करने के लिए, अगर एमपी फंड से अगर आया है तो एमपी फंड का कागज दिखाए, आगे बनवावे। पीछे उतना पीछे कोई आदमी जा सकता है? समुदाय भवन 12-15 के बनता है, 12-15 का, मात्र 12-15 का। कोटेशन दिखाया है? नहीं, कुछ नहीं। बोर्ड लगाया है? नहीं, कुछ नहीं लगा है, सब मोनोपोली कर रहा है। क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ चौधरी, पूर्व वार्ड पार्षद। अभी आपके खिलाफ भी लोग नारेबाजी कर रहे थे कि आप लोग मतलब कि यहाँ नगर पालिका में लोग घेराव किए हुए, आप लोग आए नहीं हैं मुलाकात करने, उसकी समस्या को जानने नहीं आए हैं, क्या कारण है? जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़े लोगों को बताया था कि जानकारी हो, स्टैंडिंग का बैठक था, हम लोग सारे मेंबर जो स्टैंडिंग के जो है सब कोई बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग भी यहाँ पे इंतजार में थे कि कार्यपालक पदाधिकारी आएंगे। कार्यपालक पदाधिकारी आ चुका है, वहाँ से उनके द्वारा सूचना है कि उनका वार्ड जो अस्वस्थ है, आ जाए नहीं यहाँ पे प्रधान साहब है, आ जाए हुए। हम लोग ने खुद यहाँ पे जो स्टैंडिंग का बैठक था उसने स्थगित कर दिया है। एक बात बताइए, जनता आप लोगों को अपनी समस्या का हल करने के लिए नगर पालिका में या कहीं भी भेजता है? अभी जनता की समस्या है, कोई वार्ड पार्षद ही है जो जमीन कब्जा कर रहे हैं, तो फिर आगे आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं उस पर? उसके
कि अभी थोड़ा अभी हमें जानकारी मिला कि हमें पूछे इसके कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग बैठे क्यों है। यहाँ से कहा गया कि हम लोगों ने दो नोटिस कर दिया, दो नोटिस किया था, वहाँ से कोई नोटिस रिसीव नहीं किया। तीसरा नोटिस भी यहाँ पे बाई पोस्ट गया था यहाँ से नगर परिषद के द्वारा, उसका भी कोई सुनवाई नहीं है। अब यहाँ पे जो है कार्यपालक पदाधिकारी आएंगे सहसोपाल को, अब वहाँ से वो क्या आदेश करते हैं, हम लोग का उनके पास भरोसे, हम लोग की खुद है, हम लोग का यहाँ से जो ऐसा तो नहीं कि पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी मिल करके कब्जा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर ये नोटिस का खेल कब तक चलेगा? आखिर वो बरसों से कब्जा में है, किसी को पता नहीं, पब्लिक आज आवाज उठाई है तो आप लोग पता किए हैं। अभी तो मान लेते हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी आएंगे, जवाब देंगे क्या मसला क्या है। हम लोग तो जनता के साथ है, जनता के साथ अभी भी है, हमेशा है, आगे है। तो आपके सभापति भी आए होंगे लेकिन वो भी जनता से नहीं मिल रहा है? जनता ये स्टैंडिंग का बैठक चल रहा है, ठीक है, अभी स्टैंडिंग का बैठक है, बैठक में वो लोग है, लगभग 15-20 मिनट लग रहा है कि फ्री हो जाएंगे, बैठक में कोई नहीं, बैठक कोई अभी तक मेरे। आप लोगों का बैठक कितना दिन से चलेगा? विरोध तो काफी दिन से हो रहा है। बैठक जैसा कि नियमता है, सरकारी जो डेट होता है वो नियम, बैठक का जो डेट था उस बैठक उसी डेट में हो रहा है, बैठक कभी कभी बिना कार्यपालक जनता हर रोज विरोध करते रहे आप लोगों के बीच में। अब यहाँ पे विरोध हम लोग का जनता के साथ खुद विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जनता के साथ नगर परिषद का संपत्ति का हनन हो रहा है, हम लोग जनता के बीच से आए हैं। अब यहाँ पे प्रशासन को, यहाँ नगर प्रशासन है और यहाँ से टाइट होना होगा। यही आप वार्ड पार्षद है, स्पष्ट बयान दीजिए कि आपके ऑफिस में चल क्या रहा है। हम लोग ऑफिस के माध्यम से जो है, ऑफिस के कर्मी लोग के द्वारा बताया गया, जो ऑफिस जो सिस्टम से काम होना चाहिए नोटिस में भेजा गया। अब यहाँ पे यही जो आप कार्यपालक पदाधिकारी आएंगे, आगे का जवाब वही देंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो नहीं होगा? कैसे नहीं आएंगे, उनको जवाब देना होगा। तो फिर ये तो आज पिछले 5-6 दिनों से लोग आवेदन दिए हुए हैं। पदाधिकारी आएंगे तो हम खुद उनसे जवाब लेंगे, ताकि हमारे जनता का आवाज है और नगर का संपत्ति जो है हनन हो रहा है। एक जनप्रतिनिधि ही सरकारी जमीन का कब्जा कर रहे हैं, आप कार्यपालक पदाधिकारी पे फेंक रहे हैं, वो किसी और पे फेंकेंगे, तो ये क्या चल लालगंज में क्या चल रहा है? सरकारी जमीन कब्जा करने का अभियान चल रहा है क्या? जैसे कि यहाँ पे कार्य जब रहेगा, जिसको जनता का आवाज बनना चाहिए, जनता के हक के लिए लड़ना चाहिए, वही जनता के हक को खत्म करने के लिए ऊपर भिड़े हुए हैं। जनता का जो मेन आवाज है, वहाँ समस्या तो 10 वार्ड का है, हम भी 11 वार्ड के अभी जो है वार्ड पार्षद, लेकिन जैसे कि मेन समस्या उन्हीं के वार्ड का, लेकिन नगर का समस्या है जिसके घर में चोरी हो रहा, जैसे घर में ही घर का ही चोर चोरी कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जनता को करना होगा, यहाँ पे ऑफिस को जवाब देना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ, 8 पार्षद वार्ड नंबर 11 के। क्या कह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि जिस समय इलेक्शन का समय होता है, उस समय प्रतिनिधि लोग जो है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन जो दिखता है, बड़े बड़े बात बोलते थे कि लालगंज को भ्रष्टाचार से मुक्त करूंगा, लालगंज को जो है मैं स्वच्छ और सुंदर बनाऊंगा। लेकिन आज जो वही जनता जो आपके बीच आई है, जो आपको जिता के कुर्सी पर बैठाई है, उसके लिए आपको 5 मिनट का फुर्सत नहीं है। शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। इसीलिए कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि चुनाव 2 चरण में होता है, चुनाव से पहले जो है नेता जनता के चरण में होता है, और चुनाव के बाद जनता नेता के चुनाव चरण में चल जाता है, यही तो देखा जा रहा है। मैं आपके चैनल से कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को ये कहना चाहूँगा कि नगर के जितने भी भूमि अतिक्रमण है, सबको अविलंब खाली कराया जाए और सबको बाउंड्री वॉल कराया जाए, जितने भी नगर में जमीन है, और वैसे भूमि जिनको जरूरत है, जैसे भूमिहीन बहुत सारे हमारे दलित महादलित बहुत सारे पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, उनको ये भूमि दिया जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं दिया जाए, और जहाँ जिस वार्ड में स्कूल नहीं है उस वार्ड में उस भूमि का उपयोग किया जाए, ताकि स्कूल बने, हमारा समाज जो है शिक्षित बने। जब समाज हमारा शिक्षित बनेगा तो देश हमारा जो आगे बढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा, मेरा यही कहना है। 5 दिन पहले मैंने कार्यपालक पदाधिकारी को मैंने आवेदन दिया था। तो क्या हुआ उस आवेदन पे? कोई कार्रवाई? उस आवेदन पे कोई आज तक सुनवाई नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ यही जानने के लिए हम लोग उत्सुक हैं। अभी भी आप लोग ऑफिस में आए हैं, कार्यपालक पदाधिकारी नहीं है, न सभापति आपसे मिल पाए हैं, न उपसभापति मिल पाए हैं, आगे क्या कीजिएगा आप? आगे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए हम लोग आए हैं, हम लोग नियम संगति करने आए हैं, हम लोग संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान के अलग नहीं जा सकते, हम लोग नियम संगत बात करेंगे।
आखिर नगर परिषद का जमीन अगर अतिक्रमण धीरे धीरे हो रहा है और होता जा रहा है तो कब तक कान में तेल डाल के नगर प्रशासन सोए रहेगी। और सबसे बड़ा बात मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर के थाना को भी कहना चाहूँगा कि जब कोई गरीब कोई झोपड़ी बना लेता है रोड किनारे तो जाके थाना का स्टाफ जो है डंडा लाठी मार के उसको निकाल देता है। आज जब 5 दिन पहले मैंने एप्लीकेशन दिया थाना को, किसको थाना को, थाना को मैंने एप्लीकेशन दिया कि कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है वहाँ पे माहौल उग्र हो चुका है तो एक बार जाने का प्रयास नहीं किया गया थाना द्वारा। ये क्या समझ रहे, उनको ये मालूम होना चाहिए कि यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, आप जनता के नौकर हो, जनता आपका नौकर नहीं है। और आप जाग जाइए, जनता जाग चुकी है पूरी तरीके से और हम लोग एक तरीके से आंदोलन करेंगे तो करेंगे। जब तक जितने भी भूमि हैं, जब तक नगर के जितने भी भूमि अतिक्रमण है चाहे कोई भी भूमि हो सब खाली कराए नगर प्रशासन। और चेयरमैन से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, वाइस चेयरमैन से आग्रह करना चाहता हूँ कि आपको जनता के लिए अगर वक्त नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए पद से। अच्छा, आप ही पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं, आपके समय में इसको खाली क्यों नहीं कराया गया था? मेरे समय में खाली नहीं हुआ था। आप जिस समय थे उस समय भी वो लोग वहाँ बसे हुए, बिल्कुल बसे हुए थे, लेकिन जैसे बसे हुए थे प्रधानमंत्री आवास योजना आया तो मैंने सबको आवास योजना का लाभ दिया, सबको बीघा के बीघा कट्ठा का कट्ठा जमीन है और सब लोग जोत रहे हैं कि कट्ठा के कट्ठा बीघा। वो लोग तो बता रहे थे कि भूमिहीन है, कोई भूमि नहीं है। देखिए शमशाद झूठ बोल सकता है, शमशाद झूठ बोल सकता है और लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। कागज कभी झूठ नहीं बोलता है, जमीन जो है कागज से होता है। मेरे जुबान से कहने से नहीं होगा, उनके जुबान से कहने से नहीं होगा। मुझे याद है कि जब उन लोगों का आवास पास हुआ था और मैं उस समय वार्ड पार्षद था तो स्वर्गीय नंदू पासवान जी के नाम से भूमि है और आज के डेट में जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है कि सभी भाइयों के नाम पर जमाबंदी कायम हो गया है। रामशंकर पासवान, हरिकिशन पासवान, हरिचंद्र पासवान, हरि नारायण पासवान, ये जितने भी भगवान पासवान, शिवदयाल पासवान और उसमें जितने भी लोग बसे हुए हैं सबका अपना भूमि है, सबको सरकारी आवास योजना का लाभ मिल रहा है। केवल एक व्यक्ति उसमें है जो भूमिहीन है, जिनका यहाँ ससुराल है, उसका घर भी है, पुस्तैनी भी नहीं है। पुस्तैनी में उनका भी जमीन है, उनका नाम शर्मा जी कर यहाँ का दमदुआ है, चंद्रदीप पासवान के वो दमाद हैं। लेकिन मैंने उनको कहा कि आपका स्वागत है, आप रहिए इस जमीन पे, हमको कोई दिक्कत नहीं है कि आपको मैं हटाऊं। अब मैं फिर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग को कोई द्वेष भावना नहीं है दलित महादलित और किसी समाज से। हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो, हमारा समाज आगे बढ़े, क्योंकि हमारे 10 और वार्ड नंबर 11 में कोई स्कूल नहीं है। और आज तक क्योंकि पूर्व में भोला शंकर जब वार्ड पार्षद बने थे तो उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि सबसे पहले मेरा कोई काम प्राथमिकता मैं किसी चीज़ को दूंगा तो वो स्कूल को दूंगा। स्कूल लाया गया या नहीं? नहीं लाया गया। क्या नाम है आपका? शमशाद आलम, पूर्व पार्षद नगर परिषद नागपुर।